रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी ने दर्ज करवाई। योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाले फूलपुर और बाकी 3 सीटों पर भी उसने अपनी जीत दर्ज करवाई। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में खुशी मना रहे हैं। उसी पे अकोला से हमारे रिपोर्टर की न्यूज़, रिपोर्टर अनीस खान के साथ बने रहिए। हम करते हैं वादा, अब हर स्टूडेंट पाएगा 90 से ज़्यादा। जी हाँ, 90 से ज़्यादा आपका बच्चा मार्क्स पा सकता है। संपर्क करें आइडियल एजुकेशन कंसल्टेंट से। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अकोला के फतेह चौक पर हर्षोल्लास के साथ में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जीत का जश्न मना रही है, जिसमें अधिवक्ता नजीब शेख, जाहिद आलम, मुशीर खान, मुनव्वर शेख और भी उनके तमाम साथी इस खुशी में उनके साथ में थे। गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव थे, इस बार जनता ने ये बता दिया कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाने वाली जो ताकतें हैं वो इस देश में चलने वाली नहीं। इस देश में सिर्फ हमें अखिलेश यादव जैसा विकास पुरुष जो जनता चाहती है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में घुस के 28 साल में पहली बार समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि अब समाजवादी पार्टी के पैर यूपी में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाले हैं। और योगी जैसे जो नाग है उनको पिंजरे में वापस कैद करने का काम, उनको टोकरी में भरने का काम जो है वो समाजवादी पार्टी करेगी। और इस देश में मंदिर और मस्जिद के राजकारण करने वालों को उनकी औकात बचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। मैं आज महाराष्ट्र की अकोला की सरजमीन से उत्तर प्रदेश के उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत किया और योगी आदित्यनाथ के गढ़ में जो सीट पे योगी आदित्यनाथ किसी जमाने में चुन के आए थे उस सीट पे समाजवादी पार्टी ने अपने विजय का जो है तो परचम लहराया। मैं अकोला की सरजमीन से समाजवादी पार्टी के उन सिपाहियों को मुबारकबाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बोल अबू हाशिम, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अखिलेश यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट में बताएं आपको हमारा न्यूज़ चैनल कैसा लगा।